हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे, सैटरडे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली कल है गणेश विसर्जन, तो मैंने सोचा कि वीकेंड व्लॉग तो मैं डालती हूँ, तो गणेश विसर्जन का व्लॉग भी उसमें आ जाएगा। और अभी कल विसर्जन है और आज से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक जगह, उन्होंने इन्वाइट किया है, सुंदरकांड है उनके यहाँ। तो मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को भी ले चलते हैं साथ में। और अच्छे दिन चल रहे हैं तो लोग पूजा पाठ भजन कीर्तन ये सब कराते रहते हैं, तो बस इन्हीं के एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं। और ये कुछ हाथ में है मेरे फ्रूट्स चढ़ाने के लिए, और बस कार निकालते हैं, पार्किंग में हूँ अभी मैं, और निकलते हैं हम लोग। और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत बारिश वाला हो रहा है, बारिश मतलब कंटिन्यूसली होती ही जा रही है, देखते हैं कब तक चलेगी ये बारिश। और वहाँ पे पहुँचते हैं तो मैं वहाँ का भी थोड़ा बहुत व्यू कैप्चर करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे कल, और कल करेंगे गणपति जी का विसर्जन, फाइनली उनको अलविदा करेंगे और नेक्स्ट ईयर जल्दी से आए ये कामना करेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। बोलो गजानंद भगवान। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है संडे, और कल मैंने आपसे बात करी थी कि हम लोग एक जगह गए थे सुंदरकांड में, और उसके बाद आने के बाद काफ़ी लेट हो गए थे तो बात नहीं कर पाई थी। और अभी मॉर्निंग है और जस्ट वी गॉट रेडी कि हमें गणपति जी की पूजा आरती करनी है, और आज लास्ट डे है, आज विसर्जन का डे है। हम लोग ने टोटल 7 डेज के लिए बिठाते हैं, हमेशा से 7 डेज के लिए ही बिठाया है, 5 डेज 7 डेज ऐसे बिठाया है। और बस सब लोग रेडी हो जाए तो फिर आरती करेंगे, पूजा आरती करेंगे और उनको लेके जाएंगे विसर्जन के लिए। और यहाँ पर छोटे छोटे लेक्स बने हुए हैं, मतलब पूरा अरेंजमेंट घाट्स बने हुए हैं जहाँ पर गणपति जी विसर्जित किए जाते हैं। तो होपफुली हम लोग पास में जो हमारे नियर बाई होगा वहाँ पर हम उनको ले जाएंगे विसर्जन के लिए। और बस ये 7 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से कुछ अपने घर पे गणेश जी की पूजा करना, आरती करना सुबह शाम, मतलब ऐसा रहता था कुछ घर पे कुछ चलता रहता था, मतलब कुछ बोरिंग सा नहीं रहता था, कुछ नॉर्मल डे जैसा नहीं रहता था। तो बस ये 7 डेज निकल गए, और कुछ लोग 10 दिन बैठाते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करते हैं और विसर्जन करते हैं, बट हम लोग हमेशा 7 डेज 5 डेज, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि घर के सारे लोग पूजा में इन्वॉल्व हो, और आज संडे है, छुट्टी वाला दिन है, तो आराम से पूजा कर सकते हैं, उनका आराम से विसर्जन कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी में कोई भी काम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के फिर इसलिए आज हम लोग विसर्जित कर रहे हैं। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्या तैयारी करी है मैंने पूजा की, और लेके चलती हूँ। मौसम बिल्कुल मॉनसून वाला है, बारिश हो रही है, कल से लगातार बारिश हो रही है, और ऐसे में विसर्जन करने के लिए चलेंगे। दिखाती हूँ मैं कहाँ विसर्जन करूँगी आपको। और मैंने आज भोग में बनाया है पूरन पोली, जो गणपति पापा को बहुत पसंद है, तो कल तैयारी करके रख ली थी मैंने, और अभी मैंने 2 पूरन पोली उनके लिए सेकी है और भोग में लगाया है, साथ में मोदक है, और चरणामृत बहुत ज़रूरी होता है वो है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ पूजा की तैयारी। और ये देखिए पूरन पोली मैंने 2 बना के रखी है छोटी छोटी, और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स है, मोदक है, फूल है, पूजा का तैयार, पूजा की जो थाली होती है जिसमें सारा सामान होता है वो सारी चीज़ें हैं, ये आरती के लिए है, और ये है हमारे गनू बाबा, और मैंने साइड में हवन के लिए भी सारी तैयारी करके रखी थी, मतलब मेरे पास छोटा सा हवन कुंड है, उसमें हवन करेंगे, उसके बाद विसर्जन करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे जो सोसाइटी है वहाँ के गणेश जी का भी विसर्जन हो रहा है।
पूजा जो है वो कंप्लीट हो गई थी और अब हम लोग लेके जा रहे हैं गणेश जी को विसर्जन के लिए। तो चलिए आप लोग को भी लेके चलती हूँ कि किस तरीके से हम विसर्जन कर रहे हैं गणपति बप्पा का। हम लोग लेके निकल चुके हैं अपने गणू बाबा को विसर्जित के लिए। ये बैठे हुए मेरे गोद पे और बहुत पास तो नहीं है, थोड़ा दूर है, मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर है मेरे घर से विसर्जन जहाँ करते हैं गणपति जी का। तो बस वहीं पे लेके जा रहे हैं। और आज पुणे का जो मौसम है वो बहुत ही बारिश वाला हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बारिश है यहाँ पर और उस पर गणपति जी का विसर्जन करना है हम लोग को। तो बस हम सब लोग निकल गए हैं। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए मैं आपको लोकेशन पे बात करती हूँ, वहाँ पे दिखाती हूँ सर। गए हैं और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से। आपको अगर पानी दिख रहा हो, इस तरीके से घाट बने हुए हैं काफी, और यहीं पर विसर्जन करना है। तो बस हम लोग नीचे निकलते हैं और बारिश भी हो रही है, देखती हूँ कितना वीडियो कैप्चर कर पाऊंगी। सो गाइस, ये है वो प्लेस और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और बारिश भी रुक गई है तो जल्दी से हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद गणपति विसर्जन करेंगे। बोलो गजानन बाबा की जय। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया। फिर से नमन, एक बार नमन, गणपति बप्पा। चलो गए गए गणपति पप्पा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे गणपति जी हैं जो वो चले गए हैं और अभी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया और अभी ये मेरे हस्बैंड प्रसाद बांट रहे हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस मैंने सोचा ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप इसके आगे पता नहीं मैं वीडियो शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी। अगर नहीं करती हूँ तो टेक केयर एंड गुड बाय, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय।